हेलो एवरीवन, आज मैं डायरेक्टली उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूँ जो 10th और 12th में है। और कड़वे प्रवचन यानी कि बिटर ट्रुथ बताना चाहता हूँ। अगर आप 10th और 12th में हो तो मेरे कड़वे प्रवचन सुनने के लिए हो जाओ तैयार। मैं सीधा सीधा ऑनलाइन डांट दे रहा हूँ आपको। ऑफलाइन डांट तो कोचिंग में डांट लगाते ही स्टूडेंट्स की, लेकिन ऑनलाइन डांट उन लोगों के लिए जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं और थोड़ी सी मक्कारी चल रही है। देखिए, जो स्टूडेंट एकदम अलर्ट हो चुका है उसको तो बहुत बहुत बधाई, लेकिन कई स्टूडेंट्स अभी अलर्ट नहीं है। कहीं वो मामा के लड़के की शादी कर रहे हैं, कहीं वो फूफा की लड़की की शादी कर रहे हैं, कहीं वो किसी काम में बिजी हैं, कहीं वो किसी काम में बिजी हैं। और क्या प्लान बना रहे पता है? जैसे मान लो सैटरडे है तो वो सोचते मंडे से स्टार्ट करेंगे। मान लो 29 डेट है तो वो क्या सोचते हैं, 1 को स्टार्ट करेंगे। मतलब उनके लिए कुछ शुभ मुहूर्त रहते हैं। सोमवार शुभ मुहूर्त है, 1 तारीख शुभ मुहूर्त है, 10 तारीख शुभ मुहूर्त है। पढ़ने वाले स्टूडेंट को, विद्यार्थी को कुछ शुभ मुहूर्त होता है क्या? आपको कल का इंतजार करना चाहिए क्या? आपको आज और अभी स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि दोबारा मौका नहीं मिलेगा। और बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। मैं सोचूं कि आज मैं अपनी 10th क्लास की परसेंट बदल लूं, बदल लूंगा क्या? 12th क्लास की मैं परसेंट बदल लूं, बदल लूंगा क्या? भले ही मैं कितना भी होशियार हो चुका हूं ना हो, लेकिन अब मैं चाहूं कि मैं 10th में दोबारा एग्जाम में बैठ जाऊं, इट कांट बी पॉसिबल लीगली। इसीलिए समय दोबारा नहीं आता है, इस बात को अच्छी तरह से गांठ बांध लीजिए। अब समय दोबारा नहीं आता है, फिर भी आप समय को बर्बाद कर रहे हो। और समय आपको बिल्कुल सिखाएगा अगर आपने समय की इज्जत नहीं की तो। इसीलिए अगर आप बोर्ड क्लास में हो तो मेरा चैनल, इंग्लिश का चैनल, डेडिकेटेड है बोर्ड क्लास वालों के लिए। आप एक एक वीडियो उस पर देख सकते हो, इंग्लिश की गजब तैयारी कर सकते हो। आप दूसरी जगह जहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या दूसरे कॉमर्स, जिसके भी आप स्टूडेंट हो, उसकी कोचिंग जा रहे हो या पढ़ाई घर पे कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, पूरा मन लगाना स्टार्ट कर दीजिए। नो आउटसाइडर विल कम एंड चेंज योर सिचुएशन। कोई बाहरी नहीं आएगा आपकी सिचुएशन बदलने के लिए, आपको खुद बदलना पड़ेगा। तो मेरे कड़वे प्रवचन उन विद्यार्थियों के लिए है जो बोर्ड क्लास में और थोड़ी मक्कारी दे रहे हैं, वो शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं कि कब से पढ़ाई शुरू करेंगे। मैं फिर एक बार बोलना चाहता हूँ कि शुभ मुहूर्त को बंद करो और सीधा आज से नहीं, अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए। मैं भी एक टीचर, मेरे पास भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं ऑफलाइन। मैं देखता हूँ कि 12th और 10th में 80% स्टूडेंट टाइम पास करता है, और जब रिजल्ट उनके सामने आता है तो भौचक के रह जाते हैं। जब खुद नहीं करोगे तो कौन करेगा? कौन बारी आएगा और आपकी जिंदगी बदलेगा? इसीलिए राघवेंद्र सर की बात सुन लीजिए और चुपचाप पढ़ना स्टार्ट कर दो, आज से नहीं अभी से स्टार्ट कर दो। और एंजॉयफुल स्टडी करिए, ऐसी स्टडी नहीं जो बोरिंग है, बढ़िया एंजॉय करिए। कौन सा भी आपको बहुत बड़ा काम करना है, आपको पढ़ाई तो करनी है और पढ़ाई में भी इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दीजिए। फिर देख, कोई समस्या है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मेरा नंबर जग जाहिर है, बिल्कुल बटा हुआ है, आप मेरे को कमेंट करिए, व्हाट्सअप करिए, आपको जवाब मिलेगा। समय रुकी नहीं, फटाफट लग जाओ पढ़ाई करने। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।